में जाएंगे ना, लेकिन अगर हम लोग ये ले लेंगे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैश टेबल में अभी कितनी पड़ी हुई है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर में अगर हम लोग ले लेंगे हमारे पास इनिशियली नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो जीरो हैं, ठीक है, जब हमारे पास कोई वैल्यू इंसर्ट होती है तो हम लोग नंबर ऑफ वैल्यूज प्लस प्लस करते हैं, और जब हमारे पास कोई वैल्यू जो है वो रिमूव होती है तो हम लोग एन माइनस माइनस करते हैं। तो अब ये एन की बेस पे हम लोग ऑर्डर वन में डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वो हैश टेबल एम्प्टी है या फुल है, राइट? जी सर, लेकिन सर मैं तो करंट ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, वो तो ऑर्डर एन में जा रहे हैं ना। ना 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 ना, इसके अंदर वर्स्ट केस में ऑर्डर एन पे जा रहे हैं, ठीक है, वर्स्ट केस में ऑर्डर एन पे जा रहे हैं, लेकिन अगर आप इसके अंदर एवरेज केस देखें और हैश टेबल का साइज आपने बड़ा लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे तो हमारे पास जो है वो सात आठ वैल्यूज थी और उसके लिए हम लोगों ने जो है वो ठीक है नाइन नाइन या थर्टीन हमारे पास जो है वो नाइन से लेके हम लोग इसके अंदर इलेवन ट्वेल्व तक इसका हैश टेबल का साइज रख सकते थे, लेकिन आप ये देखो कि जब हम लोगों ने कोई वैल्यू सर्च करनी होती है तो हम लोग पूरे टेबल को स्कैन नहीं करते। अब जिस तरह अगर हम लोगों ने यहाँ पे फर्ज करो वर्स्ट केस में हमारे पास ये था कि हम लोगों ने जीरो को सर्च करना, अब जीरो हमारे पास हैश टेबल में नहीं पड़ा हुआ तो उसके लिए एक दो तीन चार पाँच छः छः स्टेप्स हमें जो है वो चाहिए होंगे, ठीक है, तो ये एक स्पेशल सिनेरियो है, लेकिन अदरवाइज अगर आप देखो तो ज़्यादातर वैल्यूज के लिए आपको दो तीन स्टेप से ज़्यादा जो है वो आपको नहीं चाहिए होंगे, ठीक है। वर्स्ट केस में यू आर राइट, वर्स्ट केस में इट वुड बी ऑर्डर एन, लेकिन हैश टेबल का अगर साइज जो है वो आप सफिशेंटली लार्ज लेते हो, दैट मीन्स जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उससे आप अगर आपके पास इतनी वैल्यूज हैं तो आप इस ओपन एड्रेसिंग के अंदर जो हैश टेबल का आप साइज लोगे वो आप जो है वो लोगे तकरीबन के टाइम्स 1.3 से लेके के टाइम्स 1.7 तक, इस तक आप हैश टेबल का जो है वो साइज लोगे, ठीक है, ये आपके पास है। तो अगर इतना हैश टेबल का साइज लेते हैं तो फिर आपके पास जो है वो कोलिजंस के चांसेस जो है वो कम होंगे, और ऑफकोर्स इसके अंदर हैश फंक्शन भी डिपेंड कर रहा होता है, हैश टेबल का साइज भी डिपेंड कर रहा होता है कि आपने हैश टेबल का साइज क्या लिया है। अगर आप जो है वो हैश टेबल का साइज 2 की पावर में ले लेते हो तो उसके अंदर आपके पास कोलिजंस बहुत ज्यादा होंगी, जितनी ज्यादा कोलिजंस होंगी दैट मीन्स उतना आपके पास जो है वो वैल्यूज साथ साथ स्टोर होंगी, उतना आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, लेकिन अगर आपने हैश फंक्शन अच्छा लिया हुआ है इस पर्टिकुलर केस में, हैश टेबल का साइज अगर आपने अप्रोप्रिएट किया हुआ है, और दूसरा ये कि आपने जो है वो हैश टेबल का साइज जो है वो वैल्यू से ज़्यादा है, मतलब अगर 100 वैल्यूज है तो आपने 130 साइज का या 1 अप टू 170 साइज का आपने हैश टेबल लिया हुआ है तो उसके अंदर कोलिजन के चांसेस जो है वो बड़े कम हो जाते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास कोलिजन्स को अवॉइड करने के कुछ तरीके होते हैं। हम लोगों के पास ये जो प्रोब सीक्वेंस है इस प्रोब सीक्वेंस को जो है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओपन एड्रेसिंग के अंदर हमें पता है कि लीनियर जो प्रोब सीक्वेंसेस जो है वो नॉर्मली कौन से होते हैं, हमारे पास लीनियर है, ठीक है, लीनियर प्रोब सीक्वेंस हमारे पास क्या है कि सबसे पहले जो हमारे पास हैश वैल्यू निकलती है उसमें जीरो ऐड करते हैं, दैट मीन्स कि उसी जगह पे ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो नहीं मिलती तो उसमें वन ऐड करते हैं, फिर टू ऐड करते हैं, फिर थ्री ऐड करते हैं, एंड सो ऑन अप टू एम माइनस वन तक हम लोग जब उसको ट्राई करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास मसला क्या होता है इस प्रोब सीक्वेंस के अंदर, इसके अंदर ये होता है कि अगर हमारे पास ये हमारे पास हैश टेबल है, ठीक है, और इसके अंदर अगर हमारे पास जो है वो इस जगह पे कोलिजन आ जाती है, यहाँ पे अगर हमारे पास कोलिजन आ जाती है और फिर एक और वैल्यू आती है वो हमारे पास इधर आती है, तो उसके लिए नेक्स्ट जो हम लोग ट्राई करेंगे वो ये जगह ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे जो कोलिजन की प्रोबेबिलिटी थी वो 1/m थी, ठीक है, अब यहाँ पे जो कोलिजन की प्रोबेबिलिटी है वो 2/m हो गई है क्योंकि ये 2 कंसेक्टिव वैल्यूज हैं जो जुड़ी हुई हैं। फिर हमारे पास अगर इन दोनों में से कोई वैल्यू आ जाती है तो हमारे पास अगली वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी, ठीक है। तो अब हमारे पास लीनियर प्रोबिंग के अंदर मसला ये होता है कि हम लोग जो है वो जब कोलिजन्स एक जगह पे होना शुरू होती हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो क्लस्टर्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, इसे हम लोग क्लस्टर कहते हैं कि कंसेक्टिव वैल्यूज हमारे पास वैल्यूज जो है कंसेक्टिव इंडेक्सेस पे स्टोर होना चाहती हैं, होना शुरू हो जाती हैं, तो उससे हमारे पास जो है वो क्लस्टर्स बन जाते हैं। जितना क्लस्टर का साइज बड़ा होगा उतने आपके पास किसी भी वैल्यू की कोलिजन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसका हमारे पास हल क्या है कि हम लोग जो है वो इंस्टेड ऑफ ये हमारे पास लीनियर प्रूफिंग थी, ठीक है, इसकी बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग वैल्यूज को जो स्टोर करवा रहे हैं वो हम लोगों के पास जब कोलिजन आए तो हम लोग फिर नेक्स्ट इंडेक्स पे या
चलें, हमारे पास यहाँ पे एक फर्स्ट वैल्यू आई ना, इधर हमारे पास ये वैल्यू स्टोर की हुई थी, अब हमारे पास कोलिजन होगी, अगली वैल्यू हम लोग इधर ट्राई कर लेते हैं, दोबारा कोलिजन आई तो फिर इधर ट्राई कर लेते हैं उससे नेक्स्ट इंडेक्स पे। अब अगर दोबारा इन दोनों में से कोई हमारे पास, या ये फर्स्ट वाली वैल्यू अगर दोबारा कोई हैश वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आती है, तो अब हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे, इसके बाद हम लोग फिर चार स्पेसेस छोड़ के ट्राई करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि लेट से नौ स्पेसेस छोड़ के ट्राई करेंगे, तो हमारे पास फिर क्या होगा कि हमारे पास जो हम लोग ट्राइज कर रहे हैं वो हम लोग स्पेसेस छोड़ के ट्राई करना शुरू कर देते हैं, उस सूरत में हमारे पास क्लस्टर्स जो है वो नहीं फॉर्म होते, इस तरह के क्लस्टर्स फॉर्म नहीं होते जिस तरह लीनियर प्रूफिंग में होते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि हमारे पास फिर डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर्स जो है वो फॉर्म होना शुरू हो जाए, एक क्लस्टर इधर बन जाए, एक क्लस्टर इधर बन जाए, एक क्लस्टर इधर बन जाए, तो हमारे पास क्लस्टर्स काइंड ऑफ ब्रेक हो जाते हैं कंजक्टिव स्पेसिस की बजाय। फिर हम लोग क्या करते हैं, जो प्रूफिंग कर रहे होते हैं वो हम लोग थोड़ी स्पेसिस छोड़ के प्रूफिंग कर रहे होते हैं, इस प्रूफिंग को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक प्रूफिंग, एक इसमें से तरीका जो क्वाड्रेटिक प्रूफिंग है। क्वाड्रेटिक प्रूफिंग हमारे पास किस तरह होगी कि हमारे पास, अब क्वाड्रेटिक प्रूफिंग का जो है वो फायदा क्या है कि हम लोगों ने, या इसका मेन इसके पीछे रीजन क्या है कि हम लोगों ने जो प्रोब सीक्वेंस है वो अब हम लोगों ने नेक्स्ट स्पेस नेक्स्ट स्पेस नेक्स्ट स्पेस इस तरह नहीं करना, प्रोब सीक्वेंस से हम लोगों ने कोई जगह छोड़ के जो है वो हम लोगों ने ट्राई करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोब सीक्वेंस फर्स्ट हम लोग उस इंडेक्स पर ट्राई कर लेते हैं, फिर सेकेंड हम लोग क्या करते हैं कि अगली जो वैल्यू बनती है उस पर ट्राई कर लेते हैं, दैट मीन्स फर्स्ट प्रोब सीक्वेंस हमारे पास जीरो हो जाएगा, फिर वन हो जाएगा, फिर फोर हो जाएगा, फिर नाइन हो जाएगा, ठीक है? इस तरह करते करते हमारे पास लास्ट जो प्रोब सीक्वेंस होगा वो एम माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? तो इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जीरो वन फोर नाइन, नाइन के बाद सिक्सटीन, फिर ट्वेंटी फाइव, इस तरह करते करते हमारे पास प्रोब सीक्वेंस जो है वो अब स्क्वेयर लेने से क्या होगा कि अब हमारे पास जो है वो थोड़ा सा हम लोग डिस्टेंस के ऊपर वैल्यूज को जो है वो ट्राई करेंगे। ये समझ आ गई बेटे कि ये क्यों हम लोग प्रोब सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं और क्वाड्रेटिक प्रोबिंग जो है वो हमारे पास किस तरह हो रही है? जी सर, सर इसमें तो फिर जो एम्प्टी वैल्यूज वाला हम लगा रहे थे वो काम नहीं करेगा? काम करेगा नहीं, अब सर प्रोब सीक्वेंस चेंज हो गया ना, वो जाते हैं जी बेटे। सर जो मतलब हम पहले कर रहे थे कि अगर कोई एम्प्टी वैल्यू आ जाती है तो हम वहां पर रुक जाते हैं, रिटर्न करवा देते हैं, वो चीज तो काम नहीं करेगी? काम करेगी ना बेटे, क्यों काम करेगी, उसको देख लेते हैं अभी।